एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व रेलवे फार्मासिस टेस्ट सीरीज। दिस इज अवर पार्ट 7 वीडियो एंड इन हियर वी विल सॉल्व एमसीक्यू नंबर 61 to 70। सो वेलकम टू फार्मारॉक्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन द सिलेबस पैटर्न ऑफ रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। Creators are provide you a sample questions and model paper as a part of a test series. Solve the question and improve the confidence level before examination. So all the best and good luck for your exam preparation. Pharmarock's pharmacist exam book is available. You can contact us on 9016312020 to order this book. Here is the question number 61. How many kilograms are there in a 4.21 pounds? Okay, and the options are 9426 kg, 1.91 kg, 0.523 kg, or none of this. Okay, so इस तरह के conversions वाले question जो है वो pharmacist exams के अंदर पूछे जाते हैं। Okay, so यहाँ पे hint दी हुई है कि 2.2 pound is equal to 1 kg. Okay, 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स देर आर इन ए 4.21 pound। 4.21 pound के कितने kg हो गए? तो सही आंसर है 1.91 kg। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि समझो कि आप 4.21 डिवाइडेड बाय 2.2 करोगे, ओके, सो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 1.91363636 एक्सेट्रा। ओके, सो एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा बी, 1.91 kg। जस्ट आपको डिवाइड ही करना है कि 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg, तो 4.21 के लिए कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अ होमोजेनियस मटेरियल इज डिफाइंड एज बीइंग, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एन एलिमेंट, ऑप्शन बी एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑप्शन सी सिनोनिमस विथ सॉल्यूशन एंड मोर देन वन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन ये है कि अ होमोजेनियस मटेरियल इज डिफाइंड एज, ओके, कि होमोजेनियस मटेरियल आप किसको कहेंगे, ओके, कि उसका सही आंसर है बी, एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब कि आपके पास समझो कि दो या तीन अलग अलग कंपोजिशंस है और सभी में क्या है, मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशंस में है, ओके, जिसको हम कहेंगे होमोजेनियस मटेरियल। ओके, कि समझो कि आपने कोई दो सिरप के ऐसे सैंपल बनाए हैं या फिर दो एलिक्सर्स बनाए हैं, बट या फिर कोई आपने कोल्ड क्रीम बनाई हुई है, ओके, तो सभी के अंदर समझो कि अपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में लिए, कि समझो कि 1:1 है या फिर 1:2, सभी के अंदर कंपोजिशन आपने सिमिलर रखा है, तो दे आर कॉल ए होमोजीनियस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मास, एसिडिटी और सॉल्युबिलिटी। एंड राइट आंसर इज एसिडिटी। मतलब कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी कि जो इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, ओके, सो एसिडिटी इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि कोई भी कंपाउंड होता है तो उसके दो टाइप की मेन प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल एंड केमिकल, ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि पीएच है, रिएक्टिविटी है, फ्लेमेबिलिटी, ओके, यहाँ पे ही देख रहे हैं हम कि केमिकल प्रॉपर्टीज कॉम्बोस्टिबिलिटी है, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड पीएच। पीएच से आपको एसिडिटी, बेसिसिटी पता चलेगा कि दे आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि डेंसिटी है, हार्डनेस, लस्टर, सॉल्युबिलिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, मेलेसेबिलिटी, टेंजाइल स्ट्रेंथ, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, लिक्विड, गैस, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मैग्नेटिज्म, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब है राइट साइड, जो लेफ्ट साइड जो हमने दिखाई है वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, सो ये आपको याद रखना जरूरी है फॉर द एग्जाम। सो राइट आंसर इज एसिडिटी, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल, जब बाकी डेंसिटी, मास एंड सॉल्युबिलिटी वो तीनों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे आर इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज एब्जॉर्ब्स एनर्जी, गिव ऑफ एनर्जी, हैव नो एनर्जी चेंज, एंड ऑप्शन डी, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एनर्जी चेंज ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है, तो राइट आंसर इज गिव ऑफ एनर्जी। एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द वर्ड डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस दैट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि गिव ऑफ एनर्जी मतलब कि इट इज रिलीजिंग द एनर्जी। ओके, सो एक्सोथर्मिक मीन्स द वर्ड डिस्क्राइब ए प्रोसेस दैट रिलीज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। फॉर्मिंग ए केमिकल बॉन्ड रिलीज एनर्जी एंड देयर फॉर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आर ए प्रॉपर्टी दैट डोंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल, कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन, एंड नन ऑफ अबव इज करेक्ट। राइट आंसर इज ए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि डोंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, 66, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ ए वॉल्यूम ऑफ 15 ml एंड ए मास ऑफ 42 ग्राम्स, 0.352, 2.80, 630 और नन। सो राइट आंसर इज बी, 2.80 ग्राम पर ml। ओके, सो यहाँ पे हमको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी की जो फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम, मास दिया हुआ है 42 ग्राम, वॉल्यूम है हमारे पास 15 ml, सो 42 बाय 15 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.80 ग्राम पर ml। नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ डाल्टन्स लॉ, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव ए आइसोटॉप्स विद डिफरेंट मासेस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डाल्टन्स लॉ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव ए आइसोटॉप विथ डिफरेंट मासेस। ओके, सो दैट इज नॉट द सेंटेंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। 68, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वॉज डिवाइस बाय डाल्टन, डेमोक्रेटस, रूथरफोर्ड और जे थॉम्सन। एंड राइट आंसर इज जे थॉम्सन। ओके, सो जो प्लम पुडिंग मॉडल इज गिवन इन 1898 बाय थॉम्सन। ओके, डेवलप इज प्लम पुडिंग मॉडल, मॉडल इज नेम आफ्टर ए ट्रेडिशनल इंग्लिश डिजर्ट, द एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट विच इलेक्ट्रॉन्स वेयर सस्पेंडेड, द एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए मोस्टली एम्प्टी स्पेस विथ इट्स मास बीइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड ए प्लम पुडिंग मॉडल। 69, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम वॉज एबल टू एक्यूरेटली एक्सप्लेन व्हाई स्पेक्ट्रल लाइन्स अपीयर व्हेन एटम आर हीटेड, द एनर्जीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर ईच एलिमेंट, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। एंड राइट आंसर इज बी। ओके, सो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम वॉज एबल टू एक्यूरेटली एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर ईच एलिमेंट। ओके, नंबर 70, व्हाट सब एटॉमिक पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 1 amu, एटॉमिक मास यूनिट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बोथ ए एंड बी। एंड राइट आंसर इज डी, ए एंड बी। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, हैज अ मास ऑफ 1 amu, इज ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑन द एटॉमिक मास स्केल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स 1 amu इज डिफाइन एज ए
वन बाय ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. अ प्रोटॉन हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 AMU, अ न्यूट्रॉन हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 AMU, वाइल एन इलेक्ट्रॉन हैज ए वेरी स्मॉल मास, इट इज अराउंड 0.00549 AMU. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट सब एटॉमिक पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 1 AMU. 1 AMU मास किसका होता है? तो ऑप्शन है प्रोटॉन का भी 1 AMU है, न्यूट्रॉन का भी है. सो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. तो इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है मास AMU 0.00549 AMU. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम एंड सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836. So thank you friends for watching, share the video, subscribe the channel and press on bell icon. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, The Way of Success, on his WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best for your exam preparation.